नमस्कार जनप्रभा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निर्वाचन आयोग ने एमएलसी के 36 सदस्यों के चुनाव का किया ऐलान। 3 और 7 मार्च को डाले जाएंगे वोट, 12 को आएगा परिणाम। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पश्चिमी यूपी में झोंकी पूरी ताकत। जाटलैंड में सीएम योगी, नड्डा के अलावा जुटेंगे कई केंद्रीय मंत्री। आज सहारनपुर में चुनाव प्रचार करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भाजपा प्रत्याशी बृजेश सिंह के लिए जनसंपर्क कर मांगेंगे समर्थन। जेपी नड्डा ने सपा बसपा और कांग्रेस को बताया एक जैसी पार्टी का भारत विभाजन के जिम्मेदार। जिन्ना को क्यों याद करते हैं अखिलेश। गाजियाबाद में सीएम योगी मतदाता संवाद कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। सरकार की उपलब्धियों और पार्टी की नीतियों पर करेंगे चर्चा। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में फिर भाजपा सरकार बनने का किया दावा। बोले योगी के राज में विकास और सपा के राज में भय तथा आतंक। गाजियाबाद में आज अखिलेश और जयंत करेंगे संयुक्त प्रेस वार्ता। चुनाव की घोषणा होने के बाद जिले में पहली बार करेंगे संवाद। चिट्ठी लिखकर जयंत चौधरी ने यूपी की जनता से कि अपने दिल की बात का। मौजूदा सरकार में साल दर साल दलितों पर बढ़ रहा अत्याचार। प्रियंका गांधी ने यूपी में विशेष भर्ती आयोग के गठन का किया वादा। बोली सत्ता में आते ही तत्काल भरे जाएंगे सभी खाली सरकारी पद। प्रियंका और अखिलेश के रोजगार के वादे पर सीएम योगी का पलटवार। बोले पिछली सरकारों में चेहरा और पैसा देखकर मिलती थी नौकरी। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी को बताया सबसे बड़ी समस्या। बोले इससे मुंह मोड़ने का मतलब है आग को कपास रखने जैसा। देश की सबसे अमीर पार्टी है भाजपा, दूसरे नंबर पर बसपा का नाम। द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह आज। 1000 ड्रोन का होगा खास शो, प्रोजेक्शन मैपिंग का भी प्रदर्शन। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के चलते घर से रूट देखकर ही निकले। राजपथ और इंडिया गेट के आसपास बंद रहेंगे कई रास्ते। रूस में S-400 प्रणाली सौदे पर अमेरिका को भारत का जवाब का। रक्षा खरीद में हमारी विशेष नीति पूरी तरह स्वतंत्र। भुगतान विवाद में स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते की राहत। एयरलाइंस पर है क्रेडिट स्विस एजी का 180 करोड़ रुपए बकाया। दिल्ली से लेकर बिहार और जम्मू तक फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 3 फरवरी से बारिश और बर्फबारी की संभावना, बढ़ेगी ठंड। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 2,35,000 मामले। इस दौरान 871 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। देश में घटकर 20,04,333 हुई एक्टिव केसों की संख्या। वहीं अभी तक 4,93,198 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में कोरोना की स्थिति बेहद खराब। केरल में 24 घंटे में आए 54,000 केस, 13 लोगों की गई जान। देश में 16 राज्यों में कोरोना संक्रमण से धीरे धीरे सुधर रहे हालात। यूपी और पंजाब में भी सक्रिय मरीजों की वृद्धि दर में गिरावट। राजस्थान सरकार ने कोरोना को लेकर जारी किए नए दिशा निर्देश। प्रदेश में कक्षा 10 से 12 तक के 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। दिल्ली में फसलों के नुकसान पर प्रति एकड़ 20,000 का मुआवजा। केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी, 53 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ लगा रहा आधुनिक नई फेसिंग। ना ही तार काट सकेंगे ना ही इन पर चढ़ सकेंगे घुसपैठिए। मैरिटल रेप से जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार का हाईकोर्ट को जवाब। कहा पश्चिम देशों का ना किया जाए अनुसरण, ये हमारी समस्या। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी रूस को जवाबी हमले की चेतावनी। यूक्रेन को लेकर 27 रूसी राजनयिकों को अमेरिका से निकाला। आजम खान के बेटे और पत्नी ने एक ही सीट से दाखिल किया नामांकन। अब्दुल्ला आजम बोले हेरफेर से बचने के लिए सपा ने उतारे 2 प्रत्याशी। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम का यूपी पुलिस पर बड़ा आरोप। कहा सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी मुझे मार सकते हैं गोली। भारत ने इसराइल से 2017 में खरीदा था जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस। रिपोर्ट में दावा 15,000 करोड़ के रक्षा सौदे का था हिस्सा। झारखंड में 3 माह से जारी विद्युत संकट खत्म होने के आसार। डीवीसी के बिजली कटौती बंद करने से जल्द मिलेगी लोगों को राहत। कर्नाटक सीएम बसवराज ने नगर निकाय चुनाव में जीत का किया दावा। बोले सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचाएं कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विस्फोट से सेना में 4 जवान घायल। नियमित प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटना बस हुआ हादसा। गुजरात में 27 शहरों में 4 फरवरी तक बढ़ाया गया रात्रि कर्फ्यू। रात्रि 10 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बाजार। 2021 में 34% बढ़ा भारत और चीन के बीच आयात निर्यात। $23 अरब हुआ निर्यात और $87.5 अरब हुआ आयात। हरियाणा में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल और थिएटर। कोरोना के मामले कम होने के बाद सरकार ने कुछ नियमों में दी ढील। इसराइल की तकनीक से देश के 150 गांव बनेंगे उत्कृष्ट। 3 लाख से अधिक गुणवत्ता वाले फलों के पौधों की उपज होगी तैयार। SBI ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों के भर्ती नियमों में किया बदलाव। 3 महीने से अधिक गर्भवती को माना जाएगा अस्थायी रूप से आयोग। इस बार हरियाणा में नहीं होगी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं। खट्टर सरकार ने जिला स्तर पर ही इम्तिहान लेने का दिया निर्देश। अब राजस्थान में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे उपभोक्ता। राज्य उपभोक्ता आयोग ने शुरू किया ई दाखिल पोर्टल। सीएम शिवराज चौहान ने आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से की अपील। बोले आंगनबाड़ी को गोद लेकर बच्चों के पोषण में दें अपना योगदान।
दिल्ली मथुरा रेल मार्ग की चौथी लाइन पर शुरू हुआ यातायात, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के लोगों को मिलेगा फायदा। अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन बने नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक सर्वेक्षण आने के सिर्फ 3 दिन पहले सरकार ने की नियुक्ति। कांग्रेस ने वाई आई किल्ड गांधी फिल्म पर रोक लगाने की उठाई मांग, का फिल्म में सांप्रदायिक पहलू से चुनावी राज्यों में पड़ेगा असर। चुनावी राज्यों में मादक पदार्थ जब्ती के मामले में पहले नंबर पर पंजाब, आंकड़ों के अनुसार शराब जब्ती के मामले में शीर्ष पर उत्तर प्रदेश। 1 फरवरी से खुलेगा ओडिशा का प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर, कोरोना की स्थिति में सुधार के बाद राज्य सरकार ने लिया फैसला। HPCL के पेट्रोल पंपों पर खुलेंगे गैर ईंधन रिटेल स्टोर, ईंधन भरवाने वाले लोग जरूर घरेलू सामानों की कर सकेंगे खरीदारी। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके सुकुमार ने केंद्र पर लगाया आरोप, बोले सैनिकों के लाभ में कटौती कर रही है मोदी सरकार। अंडर 19 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भारत बांग्लादेश के बीच टक्कर, आज का मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में बना लेगी जगह। क्वार्टर फाइनल से पहले भारतीय युवा ब्रिगेड के लिए अच्छी खबर, कप्तान धूल समेत 5 खिलाड़ी फिट, कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव। वेस्ट इंडीज में खेले जा रहे अंडर 19 विश्व कप में कोरोना का अटैक, कनाडा के 9 खिलाड़ी पॉजिटिव, 2 मैच किए गए रद्द। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।